अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि ये इसकी पावर इसमें आ जाती है, ये देख लें। इसके आगे काउंटरिंग भी चल जाती है, डिस्प्ले भी ये आ रही है। ये देख लें, ये अब डिस्प्ले इसके आगे आ चुके, लेकिन इसकी एलसीडी पर डिस्प्ले नहीं आ रही। ये इसके काउंटरिंग, ये नंबर भी चेंज करता है, ये चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन एलसीडी पर इसकी कोई चीज़ शो नहीं होती। अब हम इसे चुप ओपन करके चेक करते हैं इसमें किसी का ये फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। मेरा मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो, साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की आप वीडियो हमेशा मिलती रहे। ये आप चेक कर लें जी, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड का नंबर है जी DVD AV कार्ड 7। सबसे पहले तो हम इसके सभी वोल्ट चेक करते हैं, क्या इस किसी वोल्टेज का प्रॉब्लम है या इसका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके LCD पर डिस्प्ले नहीं आ रही, वीडियो आउट नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चल, कभी इसकी वीडियो आ भी जाती है, अगर एक दो दफ़ा इसको ऑन ऑफ किया जाए ना, ये किसी वक्त इसकी वीडियो आ भी जाती है LCD के ऊपर। यह मैं सबसे पहले तो इसके सभी वोल्ट चेक कर लेता हूँ। ये इसके वोल्ट चेक कर रहे हैं जी, ये 5 वोल्ट, ये इसके 15 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। ये इसके इस रेगुलेटर के वोल्ट 3.3 वोल्ट, ये इस रेगुलेटर के 1.4 वोल्ट, ये इसके 1.1 वोल्ट। इसमें जो फॉल्ट हमें मालूम हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसके ये वाले रेगुलेटर के वोल्ट काम है, ये इसके रैम के वोल्ट होते हैं, ये इसके वोल्टेज आ रहे हैं 1.4, ये 1.8 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है। ये जो इसके वोल्टेज कम आ रहे हैं ये इसका फॉल्ट है। ये वोल्टेज कम किस वजह से आ रहे हैं वो चेक करते हैं। ये इस जगह पर इसके ये चेक कर लें, ये आ रहे हैं जी 2.5, इस रेक्टिफायर के इस तरफ आ रहे हैं 5 वोल्ट, इस तरफ आ रहे हैं इसके 2.5। ये इसका जो रेक्टिफायर है ये इसका काम नहीं कर रहा सही। सबसे पहले तो हम ये इसका रेक्टिफायर चेंज करते हैं और लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या इस जगह पर इसके 1.8 वोल्ट पूरे होते हैं कि नहीं होते। अगर इसके इस जगह पर 1.8 वोल्ट हो जाएंगे तो फिर इसका आगे सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ये चेक कर लें, अब इसके 1.4 वोल्ट हैं और इधर इसकी डिस्प्ले भी आ चुकी है, फिर ये छोड़ चुका है डिस्प्ले, कभी आ जाती कभी छोड़ जाता, यहीं हरकत करता रहता है। ये 1.4 वोल्ट है, ये मैंने इसमें से जो उतारा है वो ये रेक्टिफायर पर, अब मैं इसकी जगह पर ये अब लगाने लगा इस जगह पर, फिर इसके लगाने के बाद फिर दोबारा वोल्ट चेक करते हैं। ये अब मैंने इसमें रेक्टिफायर लगा दिया, जो पहले निकाला वो ये वाला है जी, ठीक है। अब इसके वोल्ट चेक कर लेंगे, इस तरफ इसके ये 5 वोल्ट आ रहे हैं जी, ये इस तरफ इसके आ रहे हैं जी 4.5, ठीक है। ये आगे इसके वोल्ट आ रहे हैं जी 1.8। अब इसके जो रैम के वोल्ट है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके सेट के डिस्प्ले भी आ चुके हैं, अब आपको दिखाता हूँ। पहले इसकी ये वाली डिस्प्ले बहुत मदम आ रही थी, अब वो डिस्प्ले भी बहुत तेज शो हो रही है जी, बहुत मदम थी और इसकी डिस्प्ले भी अब आ चुकी है। वो हमारा रिसीवर और क्लियर हो चुका है जी, इसकी आवाज़ भी आ रही है, चैनल भी उठा रहा है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को।
अल्लाह हाफिज़।